दिनांक 28 फरवरी 2020 को जनपद कानपुर नगर में जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने हेतु किए गए पुलिस प्रबंध के संबंध में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर द्वारा दी गई बाइट। आज जुमे की नमाज है, दिल्ली में हिंसा हुई है, उसके बाद कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था की क्या? जुमे की नमाज है और भीड़ मस्जिदों पर होगी, उसके बाद से जो लोग नमाजी लोग हैं वो लोग उनका पीसफुल डिस्पर्सल करने के लिए सभी जो मस्जिदों के मौलवी और इमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से वार्ता हुई है कि वो अपने 10-15 जिम्मेदार लोग मस्जिद के बाहर नमाज के पश्चात वहाँ खड़े करेंगे और मौलवी साहब खुद आकर के शांतिपूर्वक सभी नमाजी भाइयों को अपने अपने गंतव्य घरों पर जाने के लिए कहेंगे और सूचित कराएंगे। फोर्स उनके समन्वय में उनके कोऑर्डिनेशन में थोड़ी दूरी पर रहेगा, ये मस्जिदों पर व्यवस्था की गई है। साथ ही में अन्य और सभी जगहों में जो जो हमारे मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम आबादी साथ साथ रह रही है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोगों को के साथ पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ड्रोन कैमरा के माध्यम से छतों की निगरानी भी कराई जा रही है और ये साथ ही में QRT टीम भी रखी गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज यहाँ पर कानपुर नगर में कोई घटना ऐसी नहीं होगी। धन्यवाद।